हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ और वो भी शायद 2 साल के बाद। अभी तो वेट कर रहा हूँ ट्रेन के आने का। तो ट्रेन आ चुकी है और मैंने रिजर्वेशन करवाया था तो जगह मिल चुकी है, बैठ चुका हूँ। अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है और मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेन में जो सफ़र मैं करने वाला हूं उसका वीडियो बनाऊं। मेरे साथ है मेरा दोस्त धवल, हेलो कह रहे। और यहां देख सकते हैं कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है, पर आप मास्क ज़रूर लगाइए। अभी हुआ यूं कि रास्ते में अंधेरा ही था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और हम पहुँच चुके हैं सुरेंद्र नगर। जी हाँ, अभी देखिए मैं उतर रहा हूँ सुरेंद्र नगर प्लेटफॉर्म पर और रात के आपको दिखाता हूँ करीबन 1:01, देख सकते हैं आप। तो गाइज अभी तो रात को यहीं सो जाएंगे, कल सुबह जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज सुबह हो चुकी है और आज हम जाने वाले हैं अनिद्रा विमलनाथ दादा का जो जैन मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। तो हमें इस मंदिर के बारे में बताया था पारस भाई ने, उसके लिए पारस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम हर्षित भाई। पारस भाई ने हमारा ब्लॉग देखा था मणिलक्ष्मी तीर्थ, वहाँ उन्होंने कमेंट भी की थी और मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ जैन मंदिर है। और पारस भाई ने मुझे स्पेशली बताया कि वो 5 साल पहले सुरेंद्र नगर बिजनेस करने के लिए आए थे और तब उन्होंने अनिद्रा गांव से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने विमलनाथ दादा के दर्शन किए थे और तब से लेकर आज तक वो यहाँ आते हैं वीक में एक बार दर्शन करने के लिए। तो पारस भाई हमें बताइए मंदिर के बारे में, उस जगह के बारे में। मेरे को सुरेंद्र नगर आए है उसको करीब 5 साल हुए हैं और मेरा जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहला गांव हमारा अनिद्रा था और अनिद्रा गांव में आके हमको मालूम पड़ा कि यहाँ हाईवे के करीब जैन मंदिर है जो कि विमलनाथ दादा के मंदिर है। वो मुझे अटूट श्रद्धा है विमलनाथ दादा पे और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब मैं यहाँ विमलनाथ दादा के दर्शन करके ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरे को करीब 5 साल पूरा होने वाला है और मैं हर वीक में एक बार यहाँ पे आता हूँ और विमलनाथ दादा के दर्शन जरूर करके ही मैं अपना बिजनेस आगे लेके जाता हूँ। तो पहले दर्शन करता हूँ बाद में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो हर्षित भाई आप यहाँ पे आए, आपका खूब खूब धन्यवाद। हमने आपका पिछला ब्लॉग देखा था जो मणिलक्ष्मी तीर्थ पे था, वो हमको ब्लॉग अच्छा लगा और हमने सुरेंद्र नगर पे हमने अपने ग्रुप में काफी वायरल किया है और काफी जैनों तक पहुँचाया है। तो आपका ब्लॉग हमको अच्छा लगा इसीलिए हमने आपको बुलवाया कि यहाँ पे एक बार आइए और विमलनाथ दादा के ब्लॉग बनाइए अच्छा सा। और सुरेंद्र नगर से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये विमलनाथ दादा के जैन देरा सर। थैंक यू सो मच पारस भाई, आपने पहले तो ब्लॉग को शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज जैसे इन्होंने बताया सुरेंद्र नगर से 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और आपको लेकर चलते हैं अनिद्रा विमलनाथ दादा के मंदिर पे। तो गाइज हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अनिद्रा जाने के लिए। हम निकले हैं सुरेंद्र नगर से अनिद्रा। यह है सुरेंद्र नगर का ओवरब्रिज। हर सिटी का एक अपना अलग रंग होता है, अलग ढंग होता है और सुरेंद्र नगर का भी वही है, अलग ही ढंग है, अलग ही रंग है और उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम जा रहे हैं अनिद्रा और बीच में ये जो खूबसूरत जगह आई थी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कैनाल। ये नजारा आपको सिर्फ गांव में ही मिलेगा। अनिद्रा जाते हुए आपको नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ही मिलेगी। और गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं अनिद्रा बस कुछ ही देर में और हम आ चुके हैं अनिद्रा। जब भी आप अनिद्रा आते हैं तो आपको ये जो मंदिर है वो आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे। ये है विमलनाथ जैन मंदिर अनिद्रा सुरेंद्र नगर गुजरात। अगर आप यहाँ आते हैं तो मेन रोड पे ही ये मंदिर है, आप देख सकते हैं।
गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, ये पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं पारस भाई के साथ और दर्शन करते हैं विमल दादा के। तो देखिए बहुत ही सुंदर है ये मंदिर और आज मैं आपको विमलनाथ दादा के दर्शन ज़रूर करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आकर विमलनाथ दादा के दर्शन करके, महालक्ष्मी माँ के दर्शन करके, कुबेर जी के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। तो दोस्तों एक बार यहाँ ज़रूर आइए विमलनाथ दादा के दर्शन करने के लिए, यहाँ आकर आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए, आकर भगवान का ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और ये अनिंद्रा गांव भी बहुत सुंदर है, तो आप एक बार यहाँ विमलनाथ दादा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं विपुल भाई से, जो यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ का पूरा कार्यभार यही संभालते हैं, तो उनसे बात करेंगे। विपुल भाई पहले तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको यहाँ के बारे में बताइए। सुरेंद्र नगर से 15 किलोमीटर अनिद्रा गाँव है, वहाँ विमलनाथ दादा का तेरा सर है, वहाँ विहार धाम बनाया है साधु साधु भगवंतों के लिए। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, रात रुकने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि साधु साधवी के लिए बनाया है। यहाँ बुधवार को बहुत से लोग आते हैं, विमलनाथ दादा का वार बुधवार होता है, बहुत से भक्त लोग आते हैं, उसकी स्नात्र पूजा होती है, हर बुधवार को होता है, हर बुधवार को तो पूजा बढ़ाते हैं, 3 घंटा पूजा चलती है। तो यहाँ जो लोग आते हैं, मान लीजिए यहाँ के हमारे जो दर्शक है बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने की सुविधा यहाँ है, नौकाशी करनी है, दोपहर का भोजन है तो हो जाएगा? हाँ, सुबह नौकाशी भी हो जाएगी, दोपहर का भोजन और रात का जो भी अभी हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा उसके लिए उनको कुछ पहले से एडवांस बताना पड़ेगा? हाँ, एक दिन अच्छा बोलना पड़ेगा। हाँ। एक दिन पहले आपको यहाँ आना है और दर्शन करना और यही नौकाशी करनी है, दोपहर का भोजन करना है या चौबिया करना है तो आपको बताना पड़ेगा, जिससे विपुल भाई आपके लिए सारे अरेंजमेंट कर देंगे। और मैं विपुल भाई आपका नंबर भी दे दूंगा आपको, ठीक है? अगर आपको यहाँ आना है तो आप फोन करके आइए, जिससे आपका यहाँ सुबह की नौकाशी हो सके और दोपहर का भोजन और रात का चौबिया भी हो सके और आराम से आप भगवान के दर्शन करके पूजा करके बहुत ही आनंद पा सकें। तो विपुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। थैंक यू सो मच। जय जी। जय जी। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।